दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात मधु और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आप मेरे पीछे ये जो पौधा देख रहे हैं ये कमाल का पौधा है और मैं आपको बताने वाला हूं इस सेब के बारे में। ये बिल्कुल एकदम सेब है और इसके साथ मेरा अनुभव बहुत कमाल का रहा है। मैंने जितना सोचा था जो उससे भी ज़्यादा है और मैं अभी अपने प्रकार से इसका पूरी तरह मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इसको उतना समय नहीं दे पाया। उसके बाद भी जो मेरी उम्मीदों पर टोटल खरा उतरा है और मैं आपको बताऊं कि क्या है कि किसानों का दिमाग बागवानी की तरफ नहीं जा पा रहा है या वे नहीं सोच पा रहे हैं कि इसमें कितना पैसा है। आदमी सब्जी मटर खेती गेहूँ इसी में उलझा हुआ है पर असली में पैसा कहाँ है, कम मेहनत में कम लागत में बहुत सारा पैसा कहाँ है ये समझ पाना किसान के पता नहीं क्यों नहीं लोगों के देखो आँख में चढ़ रहा। पर अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं बताने वाला हूँ कि आपको बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छी खेती के बारे में बहुत सारा पैसा और बहुत सारी सुविधाएँ बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए वीडियो को अंत तक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एप्पल बेर के बारे में। देखिए ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये एप्पल बेर है भाई साहब। आप इसकी कंडीशन आप देखेंगे, देखें ये पूरी मेरी मुट्ठी में है। ये इसका वज़न आप ले जाएंगे कहीं भी कांटे पे आप तोलिए आपको मिलेगा 120 ग्राम 130 ग्राम 125 ग्राम। जो इसका सबसे छोटा फल है वो 80 ग्राम 70 ग्राम का है, बाकी ये 100 ग्राम से ऊपर का साइज है। और अभी मैंने इसका साइज मेंटेन नहीं किया है वरना ये 150 ग्राम तक चला जाता। और मैं आपको अगले सीजन में दिखाऊंगा कि देखिए ये 150 ग्राम तक कैसे गया, 150 ग्राम से ऊपर भी जाएगा अभी। और इसकी पूरी गारंटी है कि मैं 150 ग्राम करके दिखाऊंगा इसको। और इसकी मार्केट वैल्यू अब आप देख रहे हैं मेरे पास इस समय ये लगे हुए हैं 1 2 3 कुल 4 पौधे हैं। 4 पौधे की हालात आपको मालूम है, 4 पौधे में मैं इसमें से 2 क्विंटल माल निकाल चुका अभी तक, पूरा 2 क्विंटल 10 किलो माल मैंने निकाला और 20 से ढेरों माल, मतलब चिड़िया पूरा दिन इसको खाती हैं तो इन्हें भगाया नहीं जाता। अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो मेरे पीछे घूम रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, पटक रही हैं। तो इस समय अगर इसकी पूरी तुड़ाई कर दी जाती है 2 क्विंटल से ऊपर निकल जाएगा। एक पौधे में 1 क्विंटल का उत्पादन था जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ी होगी, इतना नहीं लेना चाहिए था मुझे पर मैं देख नहीं पाया इसलिए। तो आप देखेंगे कि ये 80% ये टूट गया भाई साहब, ये इसको देखें ये सारी की सारी डालें टूटी पड़ी हैं और इसको पूरा टूटा है, मतलब ये धराशायी है सारे पौधे, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो, ये सब धराशायी है टूटे हुए पौधे। ये देखेंगे ये अब मुझे टांग नहीं मिला तो मैं इसको टांग नहीं पाया, ये सब टूटे फूटे पड़े हैं, ये ज़बरदस्ती टूटे पौधों में भी बेर लगे हुए हैं। और ये बहुत मीठा टेस्टी बेर है। इस समय मेरे यहाँ इसका मार्केट रेट 50 रुपये बिक रहा है जी, 40-50 रुपये किलो के हिसाब से। पर अगर इसको आप कहीं बड़े मार्केट ले जाएं, कानपुर ले जाएं, दिल्ली ले जाएं, तो इसके दिल्ली में इसका रेट 30-35 रुपये किलो थोक में है। आप पूरा DCM भर के या 10 चक्का गाड़ी लोड करके आप ले जा सकते हैं। बहुत ही गजब और बहुत महत्वपूर्ण खेती है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ बताया है, हालांकि लोगों को कम पसंद आई वो बात, पर मैं बता दूं कि आप कल्पना नहीं कर सकती कि इसमें कितना कमाते हैं। मैंने पपीता बैंगन टमाटर मिर्चा गोभी ओभी मतलब जितनी सारी खेती की उन सब के कैलकुलेट में मुझे इससे ज़्यादा हैवी उत्पादन सरल आसान और आमदनी का जरिया नहीं मिला। आप देखेंगे कि ये मैंने बहुत घना लगाया था, मैंने इसको 1 2 3 4 मतलब ये 4 हैं और ये 24 फुट पे है, 6 6 6 6 6 फुट के अंतराल पे मैंने इनको लगाया। लोगों को लगता है कि पौधों को बहुत दूर लगाना चाहिए 30 फुट 35 फुट, मुझे लगता है ये बकवास गलत, ये पुराना आइडिया है यार, कुछ नया करो और कुछ बदलाव करो। अब जैसे मैं बताऊँ कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था कि जैसे ये है तो पहले तो इसको सहारा देना चाहिए, सहारे में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा आसान है। जैसे अब ये है तो इसको काट इसको पूरा काटा जाता है एक बार में, इसकी स्थिति ये होती है कि जैसे ये फल गया अप्रैल के महीने में ये साफ़ हो जाएगा। ये लगभग ये इस समय क्या तारीख है, ये 7-8 मार्च है शायद, आज होली है तो 7-8 मार्च है। और इसको सफाई कर ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन और चलेगा, तो आप ये मान लीजिए कि पूरे मार्च में ये ख़त्म होने वाला है। और मार्च में ख़त्म होने के बाद इसको 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक इसकी नीचे से कटाई होगी, इसमें एक भी टहनी नहीं बचेगी, नीचे से इसको काट दिया जाएगा।
फिर नई शाखाएं आएंगी और जो काटे जो कटिंग होगी उससे जो ये शाखाएं निकलेंगी ये लकड़ियाँ, यही लकड़ियाँ इसको अगली साल इसके सहारे देने के काम आएंगी। अब मुझे करना ये चाहिए था कि मैंने जो एक आध पौधे में थोड़ा सा ट्रायल किया था कि जैसे हमें इसकी साइज बढ़ाना है फल की, मान लीजिए जैसे ये मेरे आप देख रहे हैं ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम का है और ये आप देख रहे होंगे कि ये 50 ग्राम का है, ये छोटा है, ये 50-50 ग्राम के बेर हैं जो आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ, और अभी ये बढ़ने हैं, हालांकि अभी इसमें कंडीशन खाली है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये कटर मेरे आप हाथ में देख रहे हो, ये बाईपास कटर है। अगर आपको हैवी उत्पादन लेना है और नंबर वन का रेट, लोगों को रेट का इश्यू होता है, लोग कहते हैं रेट नहीं मिलते यार, रेट नहीं मिलते, कौन कहता है यार रेट नहीं मिलते, मेरी कभी भी फसल मध्य रेट में नहीं बिकती है साहब, और कभी भी माल मंडी में रुकता नहीं है, सड़ता नहीं है, फेंकता नहीं है, क्योंकि मुझे क्वालिटी पसंद है। अगर मेरा माल क्वालिटी वाला नहीं होता तो मैं खुद ही फेंक देता हूँ उसको, फिर उसे क्वालिटी बनाता हूँ, और क्वालिटी बनाना कोई बड़ा भारी तोपची काम नहीं होता है, बहुत आसान और सरल तरीके से बनाई जा सकती है। जैसे ये है आप देख पा रहे हो ये शाखा है, तो उस समय जिस समय ये फूल हो फ्रूटिंग पे हो और इसमें छोटा दाना आ जाए, इतना दाना जो ये देसी बेर होता है जो हमारा, जब देसी बेर की ये साइज पे हो तब आप इसमें ये काम करिएगा। जैसे हमें देखना है ये शाखा बहुत लंबी है और ये भर जाएगी तो ये टूट जाएगी, जैसे ये इसको देख पा रहे होंगे आप, ये 5 किलो वजन नहीं लाद पाएगी। तो पहले तो इसको हमें सीधा करके खड़ा, पहले इसको ऐसे पकड़ के नवा नवा के इसको इस तरह से काट दीजिए, सीधा कट मारिए ऐसे, इसको काटा फेंका, कमाल की बात है, इसमें एक भी कांटा नहीं होता है, आप ऐसे गालों में इसको फेरते रहिए हाथों में, ये बिल्कुल कांटा नहीं होता। लोगों को डर होता है यार कैसे तोड़ेंगे, बिना कांटे की है। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जैसे इसके फल टूट गए हैं फलों से लदा था ये, तो जैसे हमने देखा कि हमें अब जैसे इसमें 2 क्विंटल उत्पादन आए जो बहुत ज़्यादा हुए 2 क्विंटल, अगर मैं इसको 50 किलो उत्पादन लेता, कुल 50 किलो, ठीक है, तो इसकी बेर की साइज चली जाती 150 ग्राम भाई साहब, 150 से ऊपर चली जाएगी, मुझे लगता है ये 200 ग्राम तक जाएगा, पर मैं अभी गारंटी नहीं देता, मैं आपको दिखाऊंगा 150 ग्राम की, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये 150 ग्राम जाएगा, और आप इसको सेब के बगल पर रख लीजिएगा, ये सेब से बड़ा जाएगा भाई साहब। लेकिन बस थोड़ा सा तरीका और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको यहाँ से कट मार दीजिए, कोई नुकसान नहीं, बस ऐसे कट मारते चले जाइए, ऐसे कट मारते चले जाइए इसको, और जितना ओवर फल है आप उसको पूरे निकाल दीजिए ऐसे कट मार के ऐसे। तो अब आपको लगेगा कि यार कहाँ तक मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि 1 बीघा में मेरे हिसाब से जो मेरा अपना तरीका है 500 पौधा आएगा, और 500 पौधा की प्रूनिंग करने में मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेबर लगेगी एक दिन में, 4-5 लोग आराम से प्रूनिंग कर देंगे, वो 5 लोग का मतलब अंश भी 2000 रुपया ये हो जाएगा, और उसके साथ साथ इसका जो मैनेजमेंट है मुश्किल से पूरे साल का मैनेजमेंट का खर्च आएगा 1 बीघा में 10 से 15 हज़ार रुपये, भाई साहब बड़ी बात नहीं है। और 500 में अगर आपने उत्पादन लिया, मान लीजिए जैसे ये कम से कम 50 किलो का अगर उत्पादन लेते तो 500 पौधे में जाएगा 250 क्विंटल उत्पादन, और चलो 250 को मारिए गोली भाई साहब, आप 100-125 क्विंटल का उत्पादन अगर लेते हैं और 10 रुपये किलो भी बेचते हैं तो ये 1.5-1.5 लाख का हो जाएगा, मान लीजिए अगर 20 रुपये किलो बिक गया तो 2.5-3 लाख हो गया, और मेरे हिसाब से तो 200 क्विंटल जाना चाहिए, क्योंकि मैं 200 क्विंटल ले सकता हूँ, आपको लेके दिखा सकता हूँ, तो अगर 200 क्विंटल जाता है तो भाई साहब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप कहेंगे यार बकवास हो गया। तो होता है मैं करता हूँ, इसलिए जो अन्य चीज़ों से बेहतर है कि आप बागवानी की तरफ थोड़ा ध्यान लगाइए, और मैंने जो बताया मुझे लगता है काफ़ी है, और अगर नहीं समझ में आया और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं और ज़्यादा जानकारी दूंगा, और क्या जानना है वो बता दीजिए। बहरहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि ना तो इसको तोड़ने में दिक्कत होती, बिल्कुल ये इतना इजी काम है कि मेरी कल्पना से सरल है। मैं सोचता हूँ कि बैगन करना, मूली करना, मिर्ची करना, गाजर करना, यार ये कितना टफ काम है, पूरी साल इसमें काम ख़त्म नहीं होता, और इसमें कभी काम नहीं होता है, इसमें काम होता ही नहीं है यार, सीधे आप पका पकाया है तोड़ के मंडी फेंक दो, 10 रुपये किलो बिकेगा भाई साहब, इसको देखने के बाद आदमी दौड़ जाता है, सोचता है ये है क्या चीज़, सेब के बगल पे लगा दो भाई साहब पहले नंबर जाता है ये, और इतना खूबसूरत और खाने में इतना टेस्टी है, बताऊँ इतना सॉफ्ट है, आपके पास जितना बड़ा मुंह हो आप इसको एक बार में नहीं खा सकते, ऐसे देखेंगे ऐसे, हाँ ये जाने वाला नहीं है, ये जा नहीं सकता, और 4-5 बेर से ज़्यादा आदमी खा नहीं पाएगा, क्योंकि ये 100 ग्राम का है,
चार बीर आधा किलो का हो जाता है, 100 से ऊपर जाएगा तो अच्छा पेट भरता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत मीठा होता है, बड़ा टेस्टी और कुरकुरा होता है। तो इसकी खेती कीजिए, बागवानी की तरफ ध्यान लगाइए। और बागवानी के बारे में अगर कुछ और जानना है आपको किसी भी चीज़ के बारे में, तो मेरे पास कम से कम 40-50 प्रकार के पौधों का कलेक्शन है, जिन पर मैं पूरे ट्रायल कर रहा हूँ अभी। मेरा मतलब होता है कि जब तक मैं किसी चीज़ को कम्प्लीटली समझ नहीं लेता, अपने खेत में ट्रांसप्लांट नहीं करता, तो एप्पलवेयर का कम्प्लीट हुआ ये ट्रायल इसका, और ढेर सारी चीज़ें हैं। तो और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।